सुशांत सिंह राजपूत का जाने का सदमा तो हम सभी को वैसे लगा है, लेकिन हिमांशी खुराना को इसका बहुत बुरा असर हुआ है। आइए जानते हैं कि अपने हाल ही इंटरव्यू में हिमांशी खुराना ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर क्या बड़े खुलासे किए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आपका स्वागत करती हूं बिग हेडलाइंस में। दोस्तों अगर हम बात करें हिमांशी यानी कि बिग बॉस सीजन 13 की फ्रेम, हाल ही में उनका नया गाना आया था बाजार और हाल ही में उन्होंने एक वेब पोर्टल को इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड सवाल पूछा गया तो हिमांशी ने कहा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। जब मुझे पता चला सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया है, मैं बहुत बड़े सदमे में थी और तभी से मेरी हेल्थ जो है सही नहीं है, क्योंकि मेरे लाइफ में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिनके चलते मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ और बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ, जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ में जब कभी भी देखती हूँ मुझे बहुत ही बैड फील होता है और मेरा ब्लड प्रेशर जो है लगातार लो होता जा रहा है और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। वेल, इस बात का खुलासा खुद हिमांशी खुराना ने एक वेब पोर्टल को इंटरव्यू देने के दौरान किया है। वह इतना ही नहीं बल्कि हिमांशी खुराना ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, उनको किसी से कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, शायद हो सकता है कुछ चीज़ों का सलूशन भी निकल जाता, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने जो कदम उठाया वो सही नहीं था। वेल, अगर हम बात करें हिमांशी खुराना के बारे में तो हाल ही में उनका नया गाना आया है बाजार, जो कि युवराज हंस के साथ है और ये गाना बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो रहा है। सोशल मीडिया पे फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं इस गाने को। और अगर हम बात करें आशिमांशी के बारे में तो अभी कुछ दिनों पहले आसिम रियाज का भी गाना आया था तेरी गलियां। इस समय आसिम और हिमांशी के बीच में तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा है और ऐसी भी खबरें आ रही है कि हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का रिलेशनशिप बहुत ख़राब चल रहा है, यानी कि इन दोनों के बीच में मनमुटाव भी चल रहा है। तो दोस्तों हिमांशी खुराना की बातें आपको कैसे लगी सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है मैं आप तक सबसे पहले पहुँचाती रहूँ। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।